हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 111 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं BCCLE 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी इस पे इंग्लिश पे पूरा चर्चा कर चुके थे और 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश का होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2013 का, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखिए। उसके बाद आज चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आप प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं तो आप अपने पास निकाल के रखिए और वीडियो देखिए, और साथ में आप अपने पास इस तरह से 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पे आपको हर समय क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वो आगे आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 तक हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो सॉल्यूशन कर रहे थे तो इसमें बहुत सारा जो है क्वेश्चन जो है गलत भी पाया गया, तो फिर भी हम उसको सुधार करके जो है उसका एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि उसका आंसर भी नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन अगर गलत मानिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत मानिएगा आंसर अगर सही मानिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इस तरह से मिला है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 10 क्वेश्चन तक है, आज देख लेते हैं, हो सकता है लंबा वीडियो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और BCCLE का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन आप PDF अपने पास जरूर रखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द कर्वेचर ऑफ द कर्व, ठीक है, एक्स बराबर दिया हुआ है थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर दिया हुआ है 1 cos θ एट इट्स हाइएस्ट पॉइंट, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, किस पॉइंट पे, हाइएस्ट पॉइंट पे फाइंड करना है कि इसका। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो मेरे पास तो उतना टाइम नहीं बचा जो कि हम पढ़ाते, और मेरे पास तो नोट्स था मगर नोट्स है बट तो वहाँ पे हम उतना डिस्कस नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये टॉपिक हम नहीं पढ़ाए आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप कहीं से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर दिया हुआ था थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर 1 cos θ, हम पहले से ही सॉल्यूशन कर लिए हैं अपने से, टोटल 10 क्वेश्चन तक किए हैं सोल्यूशन, देख सकते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक ही किए हैं सोल्यूशन। तो जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे हम पहले से ही सोल्यूशन करके रखेंगे, क्योंकि इसलिए पहले सोल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी है, ठीक है, तो हम सुधार करके जो हमसे अच्छा हो सकता है उसको करके जो है आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर कितना है, y बराबर हो गया आपका 1 cos θ, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले आप जानिए, रेडियस कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 1/s से लिखते हैं, ठीक है, 1/s या 1/k से भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो बराबर कितना होता है, ds/d(φ) होता है, ds/d(φ). s जो है यहाँ पे अगर इसको उल्टा कर दीजिएगा तो यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, और यहाँ पे d sin/ds, सॉरी यहाँ पे फाइव बोल रहे थे, d sin/ds होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको अलग रखते हैं, यहाँ पे पहले आप जो फंडा है इसका बेसिक इसको समझिए, तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन सबको बेसिक आता होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स को हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, थीटा का रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा का 1 - sin के कितना होता है cos, तो -cos θ हो जाएगा। अब वाई को भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस का कितना होता है डिफरेंशिएशन, -sin θ, तो -, प्लस, तो यहाँ से +sin θ निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं फाइंड करना, dy/dx, dy/dx कैसे निकालेंगे, तो आप इसमें ये जो dy/dθ देख रहे हैं इसको भाग दे दीजिए dx/dθ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे dy/dθ/dx/dθ कट जाएगा तो कितना बचेगा dy/dx, तो dy/dx बराबर इसी को tan साई कहते हैं, ठीक है, tan साई। अब पूछेंगे साई क्या है, तो साई जो है उस कर्वेचर का जो टेंजेंट होता है वहां से एंगल होता है, ठीक है। आप जब पूरा ब्रीफ में पढ़िएगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हम ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे अंदर, ठीक है, तो हम ऊपर जो है थ्योरी आपको जो भी होगा वो बता देंगे और क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए dy/dx tan साई
बराबर कितना होगा साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे कि इसको भाग दीजिएगा डी वाई बाई डी थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखे हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा बराबर पढ़े होंगे फॉर्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे देखिए थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे टू रहता है तब थीटा होता है, यहाँ पे जब थीटा है तो हाफ हो जाएगा, टू इंटू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। वन माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। यही प्लस रहता है तो यहाँ पे कॉस में होता है, ठीक है। देखिए ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये सब को आपको पहले से नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से देखिए इतना निकाल चुके हैं आप, यहाँ पे टेन फाइव बराबर कितना हो गया, यहाँ से देखिए टू तो टू कट जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा बाई टू है तो साइन ऊपर में एक है और यहाँ से एक कट जाएगा तो नीचे में एक साइन थीटा बाई टू बचेगा, तो कॉस अबटे साइन कितना होता है कॉट होता है, तो यहाँ पे वही लिखे हैं कॉट, सी ओ टी कॉट थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन साई बराबर कितना कॉट थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम, टेन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो पाई बटे टू और प्लस कितना थीटा बाई टू। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए टेन साई बराबर कितना आ गया कॉट थीटा बाई टू, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है कुछ हम मिस्टेक किए हैं सोल्यूशन में, देखिए यहाँ पे टेन साई बराबर लिखे हैं टेन पाई बटे टू प्लस थीटा बाई टू, यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस होगा तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे पाइप पाइप बाई टू ये हुआ, ठीक है। और जैसे प्लस होगा तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और सब क्या होता है निगेटिव होता है, यानी यहाँ पे निगेटिव साइन रहता तब हम प्लस लिख सकते थे, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा, हम गलती किए हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा टेन साई बराबर टेन पाई बटे टू माइनस कितना हो जाएगा थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे थीटा बाई टू बराबर हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो कितना आएगा बताइए आप लोग, तो थीटा बाई टू बराबर कितना आएगा पाई बटे टू, ठीक है, माइनस साई, ठीक है। थीटा बाई टू बराबर कितना होगा पाई बटे टू माइनस साई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पाई बटे टू माइनस थीटा बाई टू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉट है, ठीक है। पाई बटे टू 90 और 270 पे चेंज करता है साइन, ठीक है। यहाँ पे 10 से कॉट और कॉट से 10 में, तो हम अगर 10 में लाना चाह रहे थे तो हमको क्या करना पड़ेगा पाई बटे टू माइनस थीटा बाई टू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और प्लस रहता तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है, इस कारण से यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। और आई होप आपको करता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को बेसिक जो है ये सब आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे थीटा बाई टू बराबर पाई बटे टू माइनस साई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे रिलेशन होता है डीएस बटे डी साई बराबर होता है रूट अंडर डीएक्स बटे डी थीटा के होल स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डीएक्स के स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए रिलेशन याद रखिएगा आप लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डीएक्स बटे डी थीटा निकाल चुके हैं हम लोग कितना वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर कितना होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो वन प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा, ठीक है। देखिए हम छोटा छोटा चीज को ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग उतना समझने का प्रयास कीजिएगा। और डीवाई बाई डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स हम लोग निकाल चुके हैं कितना, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए डी थीटा होगा, ठीक है, डी थीटा, तो यहाँ से डीएक्स बाई डी थीटा के होल स्क्वायर प्लस डीवाई बाई डी थीटा के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए डीवाई बाई डी थीटा कितना है साइन थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए साइन थीटा के होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, और इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, तो यहाँ से ये दोनों वन हो जाएगा, और वन आप प्लस वन यहाँ पे भी देख रहे हैं वन है, और ये दोनों मिलके वन हो गया, तो वन प्लस वन कितना टू, तो टू माइनस टू कॉस थीटा, तो टू कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर है सबको। आप रूट अंडर टू इंटू वन माइनस कॉस टू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला है टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। आप यहाँ से देखिए अब टू मल्टीप्लाई टू है तो एक टू बाहर आ जाएगा रूट के अंदर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है तो यहाँ से ये एक साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से लिखा जाएगा क्या चीज टू इंटू साइन थीटा बाई टू, यहाँ तक क्लियर है सबको। आप क्या करेंगे यहाँ पे जो थीटा बाई टू निकाले थे उसको यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है। तो पुट करने के बाद देखिए कितना आएगा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास, ठीक है, चलिए आप दिख रहा है यहां से देखिए यहाँ पे थीटा बाई टू का मान पुट करेंगे जो अभी निकाले हैं, तो यहाँ पे रखेंगे टू इंटू साइन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू का मान कितना आया पाई बटे टू माइनस फाइव साइन, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिएगा इधर,
तो पाई बटे टू माइनस कितना साइन, ठीक है, यानी साइन पाई बटे टू माइनस साइन, तो यहां से क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी अभी माइनस, तो यहां पे हो गया टू इंटू साइन पाई बटे टू माइनस साई, तो यहां से पाई बटे टू माइनस साई कितना हो जाएगा कॉस पाई साई, तो यहां से हो जाएगा प्लस में टू इंटू कॉस साई, ठीक है। अब देखिए कर्वेचर का फॉर्मूला होता है डी साई बटे डी एस होता है, ठीक है, यहां पे देखिए डी साई बटे डी एस इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां से क्या हो जाएगा डी एस कर्वेचर, सॉरी कर्वेचर होगा, तो यहां पे देखिए, तो यहां पे कर्वेचर का हो गया कितना फॉर्मूला डी साई बटे डी एस, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो वन बटे कितना हो जाएगा, यहां से कितना निकला है डी एस बटे डी साई निकला है, ठीक है, यहां से कितना निकला है डी एस बटे डी साई बराबर कितना निकला है टू इंटू कॉस साई, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब कर्वेचर का फॉर्मूला होता है डी साई बटे डी एस, तो इसको एक बार उल्टा कर दीजिए, तो वन बटे हो जाएगा कितना टू इंटू कॉस साई, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैक्सिमम पॉइंट पे चाहते हैं तो यहाँ पे इसका मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए साई जीरो होना चाहिए, तो यहां से अगर साई जीरो होगा तो यहां से क्या आ जाएगा, तो कॉस जीरो कितना होता है वन, कॉस जीरो वन हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा प्लस वन बाय टू होगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर दे रहा है आपका बी आंसर इसे दे रहा है आपके बुक में, ठीक है, जो फाउंडेशन का पब्लिकेशन का बुक है, बहुत ही गंदा बुक है, ठीक है, उसमें इतना जो है इरर लिखा है कि मत पूछिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वन बाय टू आंसर हो गया। अब बात करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, आइए अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देखिए अपने जो पीडीएफ निकलवाए हैं उसको, तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा है द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट कर्वेचर ऑन द कर्व वाई बराबर एल एन एक्स, ठीक है, एल एन एक्स इज, तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या चीज, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट कर्वेचर किसका, वाई बराबर एल एन एक्स यानी वाई बराबर लॉग एक्स का। तो देखिए यहाँ पे लॉग एक्स का कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी है इसको निकालना, तो देखिए यहाँ पे y बराबर log x, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा यहाँ पे कि इसका कितना बन रहा है। देखिए यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा तो अभी हटा दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए पहले x के रिस्पेक्ट में, कीजिएगा तो कितना होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में वन बाय एक्स, ठीक है, कितना होगा वन बाय एक्स, तो ये जो dy बाई डी एक्स है यही तो स्लोप बताता है यानी tan थीटा, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर वन बाय एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो है इस क्वेश्चन जो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा कंप्लीट क्वेश्चन ये नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फाउंडेशन पब्लिकेशन का जो ये छाप रहा है, ठीक है, ये जो छाप रहा है अपना किताब, इसमें क्या किया है ना कि जो आपका जो एग्जाम होता है बीसीसीएल का सेम टू सेम क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन रिलीज नहीं करता है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये जो ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं ये इस तरह से छापा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट अगर बोलता है, जैसे कोई एग्जाम दिया 10 स्टूडेंट से पूछा कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, तो वहां पे बता देता है कि इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो उसी के अनुसार वो छाप देता है, ठीक है। एग्जैक्ट खोजिएगा क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे यही जो है छापने में ये बहुत जगह मिस्टेक किया है, आंसर भी आपका सॉल्यूशन भी देखेंगे तो बहुत जगह मिस्टेक है इसका, ठीक है, इसलिए एकदम बहुत ही हमको खराब लगता है ये बुक, ठीक है। यहां से देखिए अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये जो वाई बराबर लॉग एक्स है अगर इस तरह से, तो यहाँ पे लॉग एक्स का जो ग्राफ होगा अगर उस पर टेंजेंट खींचेगा आप लोग, तो यहां से देखिएगा, ठीक है, आप पहले तो चाहते हैं ओरिजिन से पास कराना तो ओरिजिन से भी पास करा सकते हैं, लेकिन ओरिजिन से पास कराने से क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पे रखिएगा वन बटे जीरो जो कि इन्फिनिटी आएगा, जो कि वो मेरा सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट भी है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कम से कम एंगल देना चाहिए था लेकिन एंगल नहीं दिया है, तो यहाँ पे अपने मन से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से कुछ मान लेते हैं कि x बराबर वन है, ठीक है, अगर x बराबर वन है तो यहाँ पे क्या होगा वन कोमा जीरो होगा, ठीक है, वन कोमा जीरो होगा, तो यहां से क्या होगा x बराबर वन, तो टेन थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर वन होगा, ठीक है, टेन थीटा बराबर वन जो कि वन बटे वन, तो वन, तो टेन पाई बाई फोर का मान कितना होता है वन, तो यहां से थीटा बराबर निकलेगा पाई बटे फोर, ठीक है। इस क्वेश्चन में एंगल देना चाहिए था लेकिन एंगल नहीं दिया है, तो आपको एंगल खुद से इस तरह से सेट करना पड़ेगा जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट निकलेगा यहाँ पे, तो यहां से क्या निकलेगा कॉस पाई बाई फोर इंटू साइन पाई बाई फोर,
ठीक है, कोमा, सॉरी यहाँ पे कोमा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक्स को कैसे कॉस ले रहे हैं, वाई को कैसे साइन ले रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो यहाँ पे आपको ये क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स हो गया, ये कितना हो गया वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बराबर आपसे पूछ लिया कि एक्स बराबर कितना होगा, तो आप सीधा बोलेंगे कि एक्स बराबर ए, यहां से क्या हो जाएगा एक्स बराबर कॉस थीटा, क्योंकि इधर जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और वाई बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे कॉस थीटा कोमा कितना होगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से थीटा निकाल चुके हैं कितना पाई बाई फोर, तो इसमें रख दीजिए कितना कॉस पाई बाई फोर कोमा साइन पाई बाई फोर, तो कॉस पाई बाई फोर का मान कितना होता है वन बटे रूट टू कोमा वन बटे रूट टू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा था, तो यहां से ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगर आपको सही से दिखाई नहीं देता है तो आप लोग क्या कीजिए, क्वालिटी को थोड़ा हाई करके देखिए तो आपको सही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लगता है 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो 5 क्वेश्चन तक ही हम लोग पहले टारगेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, ठीक है। और अपने से आप लोग देखते भी रहिए जो पीडीएफ निकलवाए हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल ऑफ कर्वेचर वाई बराबर कितना 12x एट द पॉइंट 3.6, ठीक है। यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और जो कि उसका कर्वेचर का जो फॉर्म कर रहा है वो उसका इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 12x एट द पॉइंट 3.6, ठीक है। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप सॉल्व करने का तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझिए बेसिक से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर कितना 12x, ठीक है, इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि P है जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस x और ये y, और ये कितना है r, और इसको मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में और ये फॉर्मूला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, r स्क्वायर बराबर होता है x माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3.6 जो दिया हुआ है ये सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर जो होता है सर्किल का जनरल जो सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ होता है, तो यहाँ से माइनस जी जो लिखा हुआ है एच लिखा हुआ है, माइनस एफ जो लिखा हुआ है के लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेन जो आपका बेसिक फॉर्मूला यही है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे एच और के का मान दिया हुआ है, ठीक है, 3 और 6, एच का मान 3 और के का मान 6, तो यहाँ पे पुट कीजिए कितना हो जाएगा एक्स माइनस एच का मान कितना 3, तो एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 के होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से देखिए यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, यहां से देखिए ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ से क्लिक कर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 के होल स्क्वायर बराबर 9 है, तो आपका तो यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि और कोई ऑप्शन में 3 और 6 नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप रेडियस के पीछे मत जाइए, रेडियस निकालने में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और आपको जो है जनरल इक्वेशन भी याद करना पड़ेगा, बहुत सारा जो है लंबा प्रोसेस आता है थोड़ा सा, तो आप लोग जो है एग्जाम में आता है तो इसी तरह के ट्रिक अप्लाई करके आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना देखना है, बस इतना अगर मिल गया बस हो गया आंसर, ठीक है। आइए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो कि बिल्कुल ही गलत ये किया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ लिखा है, इसका जो देखिएगा इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप आंसर को सही मानते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन को सही मानते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2x² प्लस 3xy प्लस y² बराबर 5 है एट 1.1 पे, ठीक है। यानी इस इक्वेशन का नॉर्मल आपको निकालना है, ठीक है, जो कितना कहाँ पे 1.1 पे, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। इसका आंसर तो नहीं आएगा एग्जैक्ट, लगता है मिलेगा, देखिए यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² प्लस 3xy प्लस y² बराबर 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। ये तो पहले फंडा होता है कि पहले इसका स्लोप निकालिए, स्लोप कैसे निकालेंगे, तो dy/dx को स्लोप करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए x² का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू, यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग,
उस पे अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि y बराबर क्या पढ़ते हैं, u इंटू वी रहता है, तो dy बाई dx आपसे कोई अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, u इंटू डीवी बटे डीएक्स प्लस वी इंटू डीयू बटे डीएक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे थ्री इंटू, यहाँ पे वही तोड़े, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका तो वन हो जाएगा, तो वाई इंटू वन इंटू वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, बराबर कितना होगा, आइए देखें। तो यहाँ पे उसी पे तोड़े हैं, ठीक है, तो यहां से उसके बाद ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उसके बाद 2x इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो 3x dy by dx। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3y plus 2y into dy by dx, इधर जीरो हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, dy by dx कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोमा लीजिएगा, तो dy by dx into हो जाएगा 3x plus 2y बराबर कितना हो जाएगा, जीरो माइनस 2x माइनस 3y। तो यहाँ से dy by dx आ जाएगा जीरो माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई, ठीक है, बटे थ्री एक्स प्लस टू वाई। तो यहाँ पे देखिए dy by dx निकालिएगा 1,1 पे तो कितना आएगा, तो यहाँ से रखिएगा तो माइनस टू माइनस थ्री तो माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस फाइव बटे कितना हो जाएगा, फाइव, तो यहाँ से काट दीजिएगा कितना होगा, माइनस वन, यानी m1 का मान कितना आ गया है, माइनस वन। आप देखिए यहाँ पे इस पे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, m1 into m2 बराबर माइनस वन। ठीक है, अगर एक लाइन इधर जा रहा है, इस दूसरा लाइन का अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है माइनस वन के बराबर होता है। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा m1 into m2 बराबर माइनस वन। तो नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप मान लेते हैं m2 है, तो m2 बराबर कितना, माइनस वन बटे m1, m1 का मान कितना आया, माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन कट जाएगा, कितना आएगा, वन। यहां तक क्लियर है सबको। आप देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो y बटे y1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 into x minus x1, तो y minus y1, y1 का मान कितना है, वन, तो यहां रख दीजिए y minus y1, तो वन हो जाएगा, बराबर m2 का, m2 का जो मान आया है कितना, वन, तो यहां पे वन रख दीजिए, into यहां से x1 का मान वन, तो x minus वन हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तो y माइनस वन बराबर एक्स माइनस वन, तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, जीरो, तो यहां से x बराबर कितना हो गया, y, तो यहां पर आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर देखिएगा, ठीक है, आपके बुक में दिया होगा आंसर इसका, x प्लस वाई बराबर टू, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसको देखिएगा, ये गलत है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना, वाई। चलिए, तो यहाँ पे चार का क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब यहाँ पे देखिए पांच नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांच नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। पहले कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू वाई बराबर कितना है, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एट टू कोमा फोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन आप पूछा है टेंजेंट, ठीक है, यानी इस ये जो कर्व दिया हुआ है इस पे क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है इतना पॉइंट पे 2.4 पे। तो देखिए फिर उसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y बराबर क्या होगा, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy by dx इसके थ्री एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, दो दूनी चार माइनस फोर एक्स, तो dy by dx 2.4 पे निकालना है, तो यहाँ पे रख दीजिए x का मान। ठीक है, तो थ्री गुना टू के स्क्वायर माइनस फोर गुना टू, तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस एट, तो हो जाएगा फोर, यानी स्लोप आ चुका है। ठीक है, एम आप स्लोप आ गया, तो हमको क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, बस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2.4 इज, ठीक है, कितना होगा, तो वाई माइनस वाई वन बराबर होगा एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन का मान कितना है, फोर, यहाँ पे देख रहे हैं फोर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई माइनस फोर बराबर एम का मान कितना निकाल चुके हैं, फोर, तो फोर इंटू एक्स वन का मान कितना है, टू, तो एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो वाई माइनस फोर बराबर फोर एक्स माइनस एट। ठीक है, तो वाई बराबर कितना होगा, फोर एक्स माइनस एट प्लस फोर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, वाई बराबर फोर एक्स माइनस फोर आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, पाँच का ए। तो आज यहीं वीडियो रहने देते हैं, ठीक है, और आज के वीडियो में तो बहुत ज़्यादा जो है एरर भी मिला है, ठीक है, जो कि हम लोग जो है सुधार करके इसको जो है हम लोग इसको सॉल्व किए,
और नेक्स्ट जो आएगा वीडियो उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्यूरेट और अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बुक में जो क्या क्या है बहुत इधर उधर कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट है तो कहीं बुक में है, कहीं आंसर में गलत है, तो सारा कुछ हमको देख के जो है करना पड़ता है। तो आप लोग इस अनुसार चलिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।